फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिट्टी से सरस्वती जी का फेस बनाना सिखाऊंगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना सिखाऊंगा, बहुत ही इजी है यह फेस बनाना। सबसे पहले मैंने मिट्टी ले लिया है और नीचे मैंने टाइल्स का टुकड़ा रखा है। आप यहाँ पे प्लाईबोर्ड या लकड़ी का टुकड़ा भी रख सकते हो, उसी पे मैंने इस मिट्टी को चिपकाया है। और इसके बाद जितना बार आपको फेस बनाना हो उतना बड़ा आप मिट्टी से इस टाइप से शेप दे दे, ओवल शेप में, अंडाकार शेप में, देखिए कुछ इस टाइप से। और इसको हमने क्लीन कर लिया है पानी लगाकर उंगली से। और इसके बाद ऊपर हमने क्राउन बनाया है मुकुट लगाने के लिए, तो यहाँ पे हमने मिट्टी ऐड करके देखिए इसे ज्वाइंट कर दिया, इसे भी क्लीन कर लेंगे। फ्रेंड्स, फेस बनाने के लिए जो मैं मिट्टी यूज कर रहा हूँ, अगर आपको देखना है कि मैं ये मिट्टी कैसे तैयार किया हूँ, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना। और इसके बाद मैंने ब्रश से इसको क्लीन कर लिया है अच्छे से। अब इसके बाद हम इस पर ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बीच में एक सेंटर लाइन दे दिया है, मार्क कर लिया। इसके बाद ये आइज का लाइन हो गया और इसके बाद नीचे हमने नोज का और ये लिप का हो गया। यहाँ पे मैंने नोज के लिए तीन लाइन खींचा है, इसी के अंदर हम नोज को बनाएंगे। और इसके बाद ये आइज के नीचे का पार्ट हो गया और ऊपर में ये आईब्रो का पार्ट हो गया। नोज को हम यहाँ पे बीच में बनाएंगे देखिए। और अब हम आइज को भी ड्रॉ कर लेंगे, इससे आसानी होगा फेस बनाने में, इसीलिए हमने पहले मार्क कर लिया है। ऊपर में हमने आईब्रो बना दिया, सेम इसी टाइप से दूसरी साइड भी हम ड्राइंग कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों हाथ के अंगूठे से दोनों आइज के पास इस टाइप से प्रेस करना है और सेम इसी टाइप से लिप के पास भी दोनों साइड से प्रेस करना है अंगूठे से। देखिए इस टाइप से करने से फेस का जो एक रिदम आता है, जैसा फेस का स्ट्रक्चर होता है उस टाइप से आपको दिखने लगेगा। ये देखिए गाल वगैरह बन चुका है, बहुत ही आसान है यह फेस बनाना, बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। इसके बाद हम नोज के पास कुछ मिट्टी ऐड कर देंगे। देखिए आप लोग मेरे बातों के साथ साथ मेरे हाथों पर भी ध्यान दीजिएगा, मैंने कहाँ पे अप्स एंड डाउन किया है, हाथ को कहाँ पे दबाया है, कहाँ पे मिट्टी ऐड किया है। गाल पे भी हम हल्का सा मिट्टी ऐड कर लेंगे। नोज को एकदम दोनों आइज के सेंटर में बनाएं, बीच में नहीं तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा फेस। और देखिए हमने दोनों साइड से मिट्टी का दो बॉल बनाकर छोटा छोटा और नोज के दोनों साइड से ऐड किया है। और इसके बाद हम लिप को बनाएंगे, खाली पेन या पेंसिल की हेल्प से हम नोज के अंदर होल कर लेंगे दो होल, जैसे नाक के अंदर होल होता है। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फेस का एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद ही हम फेस का डिटेलिंग करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे हल्का हल्का पहले मिट्टी ऐड कर लिया, इसके बाद ही हम डिटेलिंग और क्लीनिंग करेंगे। तो देखिए हमने लिप के दोनों साइड भी स्माइलिंग फेस के लिए हमने पहले होल कर लिया है। और इसके बाद जितना एक्स्ट्रा मिट्टी है इन सबको हम बाद में कट भी कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मूर्तियाँ बनाने के लिए जो मैं टूल्स यूज करता हूँ, इसे मैंने ऑनलाइन ही खरीदा था, बहुत ही सस्ता है ये। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। फ्रेंड्स, आज जो मैं फेस बना रहा हूँ या फेस मैं एक मूर्ति बना रहा हूँ 3 फीट का सरस्वती जी का, इसका वीडियो मैं डालूंगा अपने चैनल पे, उसी मूर्ति में मैं यह फेस लगाने वाला हूँ। और बहुत ही जल्द इस फेस का मैं मोल्ड बनाना भी आपको सिखा दूंगा, उसका भी वीडियो आएगा मेरे चैनल पे, ताकि आपको बार बार फेस बनाना ना पड़े। एक फेस बना लीजिए और उसी का मोल्ड बनाकर आप बार बार कितना भी फेस बना सकते हो। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। और जहाँ पे आपको समझ में ना आए आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा।
फ्रेंड्स, हमने फेस को बना लिया है और बहुत ही जल्द मैं इस फेस का मोल्ड बनाना भी आपको सिखा दूंगा, ताकि बार बार आपको फेस बनाने में दिक्कत ना हो। आप एक बार मोल्ड बना लोगे तो एक ही मोल्ड से आप कितना भी फेस निकाल सकते हो। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।